नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि इस साल 2023 में सावन कब से शुरू होने वाला है और कब ख़त्म होगा और इस बार कितने सावन सोमवार करने होंगे। सावन का महीना इस बार बेहद खास होने वाला है। दरअसल इस बार सावन पूरे 2 महीने का रहेगा, यानी इस बार भक्तों को सावन में 8 सोमवार मिलने वाले हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए आइए जानते हैं कब शुरू हो रहा है सावन का महीना। सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का रहने वाला है। आइए जानते हैं कब से शुरू होगा सावन का महीना। इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ने वाले हैं, यानी इस बार सावन का महीना 2 महीने का रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होगा। सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होगी और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा, यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। कहा जाता है कि यह शुभ संयोग 19 साल बाद बना है। सावन सोमवार का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। बोलो जय भोले बाबा जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।